नमस्कार दोस्तों, SRE ऑनलाइन आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा जिन पोस्ट के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं, अब उन पोस्ट के दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल की स्टेज आने वाली है। और आपके जो हमारे पास ढेर सारे कमेंट्स आए थे कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर आगे एक वीडियो बनाइए कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ेंगे, किन किन डॉक्यूमेंट्स की हमें आवश्यकता है, साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा होना चाहिए, और उसके साथ साथ दोस्तों मैंडेटरी चीज़ें क्या होना चाहिए, क्या आपको ध्यान रखना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, इन सारी बातों को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ दिल्ली मेट्रो की तरफ से जो ऑफिशियल मेल जारी हुआ है, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट हुए हैं कुछ पोस्ट के लिए, तो उनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट मंगाए गए हैं दिल्ली मेट्रो की तरफ से, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर लेटेस्ट दिल्ली मेट्रो की अपडेट, साथ ही टेक्निकल वैकेंसीज की अपडेट प्राप्त होंगी। तो चलिए दोस्तों मैं ले चलता हूँ डायरेक्टली आपको जो दिल्ली मेट्रो की तरफ से ऑफिशियल मेल जारी किया है उस पर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे एक व्यूवर्स हैं जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट हुआ है, उन्होंने हमें ये मेल किया गया है। और यहाँ पर जो दोस्तों आप देख रहे हैं ऑफिशियल मेल है, DMRC रिक्रूटमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड प्री अपॉइंटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साथ ही साथ मेडिकल के लिए मेल किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 मार्च को दिल्ली मेट्रो की तरफ से ये मेल आया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कितने दिन पहले आपको सूचित किया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से। तो 26 मार्च को जब ये मेल आया है, आप देख सकते हैं कि इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होना है वो 13/4 को होना है। तो जिसका मतलब है आपको लगभग 2 सप्ताह प्लस कुछ दिन, यानी 17 दिन पहले आपको सूचना दे दी जाती है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल कंडक्ट होना है। जब तक आपके पास समय रहता है आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हैं। अभी जो पोस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो था कॉन्ट्रैक्ट JE इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको रखना है। अभी इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ हुआ था, वो हुआ था दिल्ली मेट्रो रेल एकेडमी DMRA ट्रेन डिपो शास्त्री पार्क ईस्ट अप्रोच रोड दिल्ली। आप ये देख सकते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर जो है यू आर एडवाइज टू ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद वन सेट ऑफ फोटोकॉपीज। दिल्ली मेट्रो ने यहाँ पर सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मंगाए और उनके साथ साथ एक फोटोकॉपी यानी एक जेरोक्स वन जेरोक्स का सेट मंगाया है। लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि 2 से 3 जेरोक्स का सेट आप लेके जाइए, क्योंकि दोस्तों जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आती है मैं कहूँगा कि आप थोड़ा और एडवांस रहिए, थोड़े सेट्स अपने पास रख दीजिए, क्योंकि जेरोक्स जो रहेगा आप रख लेंगे तो आपके बाद में भी काम आएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बोथ पार्ट्स, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन के दोनों पार्ट्स आपके पास होना चाहिए, पर्सनल डिटेल एंड क्वालिफिकेशन डिटेल, क्योंकि ये दो पार्ट में फिलअप हुआ था। तो पर्सनल डिटेल भी आपके पास होना चाहिए, जो क्वालिफिकेशन डिटेल आपने ऑनलाइन फॉर्म में फिलअप किया था वो भी आपके पास होना चाहिए, जैसे अवेलेबल इन कैंडिडेट लॉगिन एट DMRC वेबसाइट, जो कि हमेशा DMRC की वेबसाइट पर लॉगिन है। यदि किसी भी व्यूवर्स को, किसी भी जो आप वीडियो देख रहे हैं आपको यदि असुविधा होती है लॉगिन करने में, हमारी ईमेल आईडी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। आप हमें मेल कर सकते हैं, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड हमें दे सकते हैं, हम आपका PDF आपके मेल पर व्हाट्सअप मेल कर देंगे यदि आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करने में कोई दिक्कत जाती है तो। अब दूसरी बात दोस्तों, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि 10th की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, प्लस आपके पास जो आपकी डिप्लोमा मार्कशीट है वो सभी ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, साथ साथ उनका जेरोक्स होना चाहिए। अब उसके बाद दोस्तों 12th सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, ये ओरिजिनल में होना चाहिए दोस्तों, और साथ ही साथ इनके जेरोक्स भी होना चाहिए। डिग्री या डिप्लोमा, यदि आपने डिग्री या डिप्लोमा होल्डर हैं तो आपके पास वो आपके पास सभी सेमेस्टर की होना चाहिए, विद ओवरऑल सेमेस्टर जो है वो भी आपके पास होना चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आपने EWS SC ST कास्ट सर्टिफिकेट से अप्लाई किए हैं तो आपके पास ये कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। कुछ लोगों ने हमसे पूछा था EWS कास्ट सर्टिफिकेट 2019 का है तो क्या अभी का चलेगा, तो दोस्तों मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगा कि यदि आप सिलेक्ट हो गए हो दिल्ली मेट्रो में, आपका नाम आ गया है, जो रिजल्ट जारी किया उसमें लिस्ट में नाम आ गया, जो पैनल क्रिएट किया गया प्रोविजनली उसमें नाम आ गया है, तो आप अपना एक नया EWS सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि EWS सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 1 साल की होती है, और आप नया EWS सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और जो पुराना सर्टिफिकेट होगा उसको आपको अपने पास रखना है, क्योंकि जो आप जब आपने फॉर्म अप्लाई किए थे तो आपने वही वाला सर्टिफिकेट लगाया था, तो आपके पास वो भी होना चाहिए। अगर यदि वो जमा हो जाता है तो आपको उसका एक कलर कॉपी अपने पास रखिएगा, और साथ ही साथ आप अपने पास एक उसका जेरोक्स रख लीजिएगा।
उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ओबीसी ईडब्ल्यूएससी एससी सर्टिफिकेट फॉर्मेट के बारे में, तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देना चाहता हूँ कि आप ये फॉर्मेट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपल लिंक बताऊँगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर वो सभी जो फॉर्मेट है वो अवेलेबल हो रहेंगे, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके पास 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज होना चाहिए आपके खुद के, वो भी जो भी आपने फॉर्म में लगाए हैं वही होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ रीसेंट पासपोर्ट फ़ोटोज़ भी आप रखिएगा, आपका आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, और उसके साथ साथ दोस्तों एक ई स्टाम्प भी मैंडेटरी है जो आपके पास होना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय होना चाहिए। अब दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय यदि आपके पास नहीं है तो आप वहां से डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। और दोस्तों पहले यदि अगर ये वीडियो और सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ये दोस्तों चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि हम 100% जेन्युइन अपडेट्स प्रोवाइड करवाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों वो लेटेस्ट अपडेट के बारे में और जो कि इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब सबसे पहली बात दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन, मैट्रिकुलेशन, ट्वेल्थ, डिप्लोमा, डिग्री, तो इन सभी जगहों पर यदि आपका नाम अनबैलेंस, मैं कहूँगा कि यदि आपका नाम अलग अलग है, जैसे आपका नाम यदि अमन आपका नाम है, यदि स्पेलिंग में कोई गलती है या तो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो गलती हो गई वो, या आपके पास 10th की मार्कशीट, आपकी ITI की मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट, यदि इन सभी में कहीं ना कहीं गलती है आपके नाम में, पिता के नाम में, तो आप उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले सही करवा लें क्योंकि दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको दिक्कत हो जाएगी। तो जो आपने फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने डिटेल्स भरी हैं वही डिटेल्स आपकी मार्कशीट में भी होना चाहिए, वही आपके आइडेंटिटी प्रूफ में भी होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ में आपके पास आपका पैन कार्ड अनिवार्य रूप से होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास अनिवार्य रूप से होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब आपका प्रोविजनली सिलेक्शन हो गया है तो, क्योंकि आप जब दिल्ली मेट्रो ज्वाइन करेंगे तो सैलरी के लिए भी आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा, तो पैन कार्ड जिसका नहीं बना है आप पैन कार्ड बनवा लीजिएगा। और दोस्तों उसके बाद नाम आपका नाम, आपका मदर्स नेम, फादर्स नेम, और उसके साथ साथ डेट ऑफ बर्थ, ये आपका कंप्लीट सेम होना चाहिए। आपका 10th, 12th, ITI, डिप्लोमा, डिग्री, इन सभी में एक जैसा नाम होना चाहिए। और उसके साथ साथ एक बात और मैं आपको स्पेशली बता देना चाहता हूँ, जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो ऊपर लिखा गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बोथ पार्ट पर्सनल डिटेल्स एंड क्वालिफिकेशन डिटेल, ये मेनली कलर में होना चाहिए। दिल्ली मेट्रो ने यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये सभी कलर में होना चाहिए। और दोस्तों ये ऑफिशियल मेल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर dmrc@mail.dglm.com, यहाँ से जो है यहाँ से ऑफिशियली मेल आया हुआ है। तो दोस्तों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी कर लें। अब मैं ले चलता हूँ आपको कास्ट सर्टिफिकेट के फॉर्मेट में कि कहाँ से आप उसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों जो आपको ये वेबसाइट यहाँ पर दिख रहा है www.dillimetrorail.com, आप यहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों दिल्ली मेट्रो जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे तो उसमें कैरियर सेक्शन पर आपको जाना है, जैसे कैरियर सेक्शन देख रहे हैं आप, यहाँ पर कैरियर सेक्शन पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद जैसा कि आप देखें यहाँ पर आप देख पाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन फॉर्म, आपको ये कोई से फॉर्म आपको नहीं रखना है, आपको सिर्फ यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म यदि आपसे बोलते हैं तो आपको लेकर जाना है, नहीं तो आपको जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं SC ST ये फॉर्मेट दिया गया है। OBC कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी है, फॉर्मेट डिक्लेरेशन बाय OBC कैंडिडेट्स, फॉर्मेट EWS इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट यहाँ पर ही है, और फॉर्मेट PWBD, तो यहाँ पर ये सर्टिफिकेट अवेलेबल है। इस लिंक के थ्रू भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या तो इनके लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूंगा, आप वहाँ से इनको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है और साथ आप उनको देख सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको इस पूरी प्रोसेस में यदि कोई डाउट लगता है, कोई आपको कोई भी क्वेश्चन आपको हमसे करना है, आप बेझिझक हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। और दोस्तों आप किसी प्रकार का कोई हेजिटेशन मत रखिए, कोई भी आपको क्यूरी चाहिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेल ID इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ आप हमें कमेंट कर सकते हैं जिसका रिप्लाई आपको जल्द से जल्द हम देखें, और उसके साथ दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल पर भी लिंक दे देंगे, आप वहाँ हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिसमें आपको दिल्ली मेट्रो, यूपी मेट्रो और साथ ही साथ अन्य जितने मेट्रोज हैं, टेक्निकल जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों इसी वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो।